पहला क्वेश्चन, निम्न से माप को संज्ञा पद्धति के अनुसार गोलाकार लेंस के लिए लिया जाता है, किसके माप के लिए? प्रकाशीय केंद्र की माप के लिए। किसके लिए? प्रकाशीय केंद्र की माप के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी? देखिए, लंबी सहायक नदी, पहले क्वेश्चन आया था सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो हुआ है मानसरोवर से हुआ। कहाँ से हुआ दोस्तों? मानसरोवर से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। सबसे लंबी सहायक नदी पूछा सिंधु का, सतलज नदी। सिंधु नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है सिंधु की, सतलज है सबसे लंबी सहायक नदी। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन सा था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, चलिए इसका आंसर बता दिए, अजीज बजाज। क्या दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम भारतीय है उसका नाम है अजीज बजाज है। क्या नाम है? अजीज बजाज। चलिए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के निम्न के तहत जारी किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवाद और संशोधन की अनुमति है। मतलब किसके तहत जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए प्रावधान है जम्मू कश्मीर में जो प्रावधान है दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 में किसमें प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 370 में इसका प्रावधान दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सुक्रोज प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है? सुक्रोज, देखिए सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है सुक्रोज? तो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है। किसमें पाया जाता है सुक्रोज? सुक्रोज आपका गन्ना में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा दोस्तों? गन्ना में पाया जाने वाला सुक्रोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तुरंत ऊर्जा के लिए आपको क्या चाहिए? तो तुरंत ऊर्जा के लिए आपको चाहिए सुक्रोज। क्या चाहिए तुरंत ऊर्जा के लिए? तो तुरंत ऊर्जा के लिए आपको सुक्रोज चाहिए। सुक्रोज किसमें होता है? तो गन्ना में पाया जाता है सुक्रोज। किसमें? गन्ना में पाया जाता है सुक्रोज। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न कर्नाटक में विश्व, दोस्तों निम्न जो है कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं बताइएगा? चलिए बताइए, सर्वाधिक संख्या में जो एशियन हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? नागरहोल टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर? हाँ, नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी। चलिए, कार्बन डेंटिंग में एक कमजोर C14 अणु टूटता है और किसमें परिवर्तित हो जाता है? C14 टूटता है, ये किसमें परिवर्तित हो जाता है बताइए? तो किसमें बदलेगा दोस्तों? ये बदलेगा दोस्तों आपके नाइट्रोजन 14 में। जो C14 है ये नाइट्रोजन 14 में बदलेगा। किसमें बदलेगा दोस्तों? इसलिए बदलता है क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, और कार्बन जब टूटा तो कितना परमाणु भार आ गया कार्बन में? 14 आ गया, तो नाइट्रोजन में बदल जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी किसमें? मनुष्य के शरीर में बताइएगा। तो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमम सबसे बड़ी मांसपेशी है। चलिए जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर दें यार, जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार सब लोग शेयर कर देंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था? तो इसका राइट आंसर ग्लूटियस मैक्सिमम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध आर्क बांध का एक उदाहरण है बताइएगा? कौन सा जो बांध है आर्क बांध का उदाहरण है? चलिए बताइए राइट आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा बांध है आर्क बांध का उदाहरण है? चलिए, तो आर्क बांध का जो उदाहरण है ना दोस्तों कौन सा है? चल जिनसे भी आता है आंसर करेंगे, कितने लोग से बन जाएगा ये। तो आर्क बांध का उदाहरण क्या दोस्तों? इडुक्की बांध। कौन सा? इडुक्की बांध जो है आर्क बांध का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है?
बताइए कौन है जो मलेरिया का वाहक है। तो जो मलेरिया का वाहक है दोस्तों, एनाफिलीज मच्छर। कौन सा है? एनाफिलीज जो मच्छर है ये मलेरिया का वाहक है। और मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है मलेरिया? तो मलेरिया आपका होता है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है मलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे। क्या? वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते दोस्तों? 2 फरवरी को मनाते हैं। ये जो मनाने की विधि है दोस्तों, एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है रामसर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था? रामसर सम्मेलन हुआ था। उसमें निश्चित किया गया था कि 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाएंगे? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे। कब? 2 फरवरी को प्रत्येक साल क्या मनाएंगे? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पढ़ना है इसके बाद आंसर करना है। निम्न नामक एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 की संवैधानिक मान्यता के विरुद्ध एक प्रतिवेदन कोर्ट में डाला गया था, किसके उसमें? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वी द सिटीजन के खिलाफ। किसके खिलाफ? वी द सिटीजन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा डाला गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पांचवें सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की जो सिख धर्म का प्राथमिक ग्रंथ था। किस गुरु ने? भाई किस गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की है? चलिए बताइए, बताना राइट आंसर। किस गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की है? तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने। चलिए अब प्रथम गुरु कौन है सिख धर्म के? गुरु नानक जी हैं। चलिए इसका आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, बोला कि कौन सा मेल सही नहीं खाता। देखियो, राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे? नहीं थे। वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री था टोडरमल। तो ये गलत है। अब यही पूछा कि कौन सा मेल नहीं खाता, तो दूसरा दूसरा आपका मेल नहीं खाता है। कौन सा मेल नहीं खाता दोस्तों? तो जो आपका दूसरा है ये आपका मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? कौन से तत्व? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? कॉपर। देखिए मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्या बात है दोस्तों? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन? कॉपर, चांदी, सोना। अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु द्रव्यमान 23। एल्युमिनियम की अगर हम बात करें, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, परमाणु द्रव्यमान 27। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान सभी का आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में किसके समय में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर शामिल किया गया था? 35A को, जो 35A है इसको किस समय शामिल किया गया ये बताना है। क्वेश्चन घुमा के पूछा लेकिन सिंपल ये है कि अनुच्छेद 35A को किस सन में शामिल किया गया? 1954 में। 35A को कब शामिल किया गया? तो 35A को जो शामिल किया गया 1954 में शामिल किया गया। कब? 1954 में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? किसको मापता है? इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। चलिए बताइए, इंफ्रारेड विकिरण को मापने वाला है कौन है? बोलोमीटर। कौन मापता है इंफ्रारेड विकिरण को? तो विकिरण को मापने वाला जो यंत्र होता है बोलोमीटर। कौन सा यंत्र है? बोलोमीटर मापता है इसको, विकिरण को मापता है बोलोमीटर। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों, तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए दोस्तों। एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि बनलाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये बनलाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको यहाँ चैप्टर वाइज बनलाइनर क्वेश्चन, जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चे, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों
कुछ ही समय बाद ए आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का तो फिर आपको 40 नहीं मिलेगी, कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा और दोस्तों एक बार लेके देखिएगा, यकीन माने सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना तो मॉक टेस्ट में 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी भी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी, ठीक है भाई। दोस्तों आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 में 25 नंबर स्कोर करें, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करिए अपने रेलवे आरएसएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कब? 1857 के विद्रोह के समय जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के सिख गुरु हैं, बताना है आपको। गुरु गोविंद सिंह, तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो है ना सबसे लास्ट नंबर मतलब 10वें नंबर के गुरु हैं। कौन है? 10वें नंबर के गुरु। देखिए पहले नंबर गुरु कौन है? गुरु नानक। दूसरे नंबर के गुरु कौन है? अंगद। तीसरे नंबर के गुरु कौन है? अमरदास। कौन है? अमरदास। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु है। क्या है? 10वें सिख गुरु है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो, क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत कुल जो वन है कितना परसेंट है? जो भारत में वन है कितना परसेंट है ये रिपोर्ट के अनुसार, कब की रिपोर्ट है? 11 की रिपोर्ट के अनुसार। तो कितना परसेंट है? 21.05% है, इतना परसेंट वन है। नेक्स्ट देखिएगा, जिंक सल्फेट किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट को हम क्या बोलते हैं ये चीज़ पूछा है। जिंक सल्फेट को ZnSO4 7H2O, तो जिंक सल्फेट में होता है जो पानी का भाग होता है वो 7 पानी है। किस ये जो है तत्व का रासायनिक सूत्र, मतलब इसका बताना हिंदी में नाम क्या है? सफ़ेद विट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको? सफ़ेद विट्रियोल बोलते हैं जिंक सल्फेट को। जिंक सल्फेट क्या बोलते हैं? सफ़ेद विट्रियोल। देखिए कॉपर सल्फेट अगर पूछता, कॉपर सल्फेट क्या बोलते हैं? नीला विट्रियोल। कॉपर सल्फेट को नीला विट्रियोल बोलते हैं, फेरस सल्फेट को हरा विट्रियोल बोलते हैं, जिंक सल्फेट पूछा सफ़ेद विट्रियोल, तो याद रहना चाहिए आपको सभी। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, इसमें जो अदिश राशि होते हैं तो अदिश राशि में केवल क्या होता है? केवल परिमाण होता है अदिश राशि में। फर्स्ट नंबर राइट होगा, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस शासक ने अपनी जीत की निशानी के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? जीत की निशानी के रूप में, किस रूप में? जीत की निशानी के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था किसने? चलिए बताइएगा, किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण जीत की निशानी के लिए? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पर करवाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया अकबर ने। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये क्वेश्चन है 25 नंबर, मेंडलीव की आवर्ति नियम किस पर आधारित है बताइएगा? परमाणु द्रव्यमान पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, परमाणु त्रिज्या पर, या परमाणु क्रमांक पर बताइएगा? मेंडलीव की जो आवर्ति नियम है परमाणु द्रव्यमान पर। देखिएगा जितने पहले लोग थे ना, चाहे आप न्यूलैंड की बात करें, न्यूलैंड का स्टक नियम, या त्रिक नियम की बात करें, चाहे मेंडलीव का आवर्त सारणी, सभी जो थे परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है सभी के नियम। जो मोसले आया था नया, मोसले ने क्या दिया? जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया था मोसले ने, मोसले का जो नियम था परमाणु क्रमांक पर था। किस पर था? देखिए एकमात्र है मोसले जिसका नियम परमाणु क्रमांक था, बाकी सबका परमाणु द्रव्यमान पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे बताइए? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। कौन दोस्तों? तो भारत के गवर्नर जनरल थे सी राजगोपाली। कौन दोस्तों? सी राजगोपालाचारी थे भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा जो है किसकी कमी के कारण, जैसे आँखों में कम दिखाई देना किसकी कमी कारण होता है? आँखों में कम दिखाई देना
किसकी कमी के कारण होता है? चलिए बताइएगा, आँखों में कम दिखाई देना किसकी कमी के कारण होता है? ये चीज़ें आपको बताना है। चलिए बताइएगा, विटामिन ए की कमी। जब शरीर में विटामिन ए की कमी होता है, क्या होता है, जब शरीर में विटामिन ए की कमी होता है तो आँख में कम दिखाई देता है। फिर सेकेंड राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किसमें करते हैं? तो बता दें दोस्तों, भूकंप का जो अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी में। किसमें करते हैं? भूकंप का जो अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी में करते हैं। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। जो वाट यहाँ पर लिखा है सेकंड में, यह शक्ति का है, विभव का वोल्ट होता है। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। एम्पियर जो होता है किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है। तो जितने भी मात्रक हैं, देखिए न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक। डाइन किसका मात्रक है? बल का। देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और बल का सीजस मात्रक क्या होता है? डाइन। बल का सीजस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 35 को किस वर्ष में भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो किस समय शामिल किया गया, कब किया दोस्तों, बताइएगा, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। होमवर्क रहेगा ये। नेक्स्ट, चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो बेसिक देश के सदस्य नहीं है? बताइएगा कौन नहीं है, आपको बताना है। बेसिक देश के सदस्य नहीं है, तो इसमें जो दोस्तों नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास क्लास का पहुंच जाए, और लाइक करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, 16 जुलाई 1991 को निम्नलिखित में से किस राज्य से जीवन रक्षक ट्रेन, जो विश्व का पहला ट्रेन हॉस्पिटल है, क्या है? ट्रेन हॉस्पिटल है। कहाँ से आरंभ किया गया चलता हुआ ट्रेन हॉस्पिटल? कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? तो ये स्टार्ट हुआ बॉम्बे से। कहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों? तो बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। चौथा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत रत्न और पद्म श्री पुरस्कार को किस वर्ष आरंभ किया गया? देखिए चार बड़े पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, चार बड़े पुरस्कार क्रम से 1, 2, 3। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, फिर दूसरे नंबर में पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, चौथे में पद्मश्री। तो इन पुरस्कारों को कब आरंभ किया गया था ये पूछा है। 1954 में आरंभ किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1954 में आरंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36-57 सूचीबद्ध किया गया? क्या किया गया? 36-57 सूचीबद्ध किया गया किसके अंतर्गत? तो यह क्या दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हुआ ये? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत हुआ है। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? 34 नंबर का चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? बताइए भारत का जो मानक समय मेरिडियन है कौन सा है? तो 82.5 डिग्री क्या है? 82 डिग्री ईस्ट देशांतर, मतलब पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या दोस्तों क्वेश्चन क्या है? भारत का जो मानक समय है, जो मेरिडियन है कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? क्या करती है? रंग संवेदना। तो वो होती है दोस्तों आपकी शंख या शंकु के आकार की कोशिका। क्या होती है? शंकु के आकार की कोशिकाएं होती है जो संवेदना प्रदान करती है। क्या करती है? संवेदना प्रदान करती है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया। ये देखिएगा, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से कर रहे हैं आंसर। कर्नाटक के हम्पी में जो स्थित है कौन सा मंदिर स्थापत्य कला के एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कर्नाटक में स्थित है? कौन सा मंदिर है कर्नाटक के हम्पी में जो स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण? विट्ठल मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों जो स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? विट्ठल मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विट्ठल मंदिर है। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा?
थर्ड नंबर की नेक्स्ट, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में होता है? किस विटामिन का निर्माण है हमारे शरीर में होता है और सूर्य के प्रकाश से होता है? तो विटामिन डी का निर्माण। किसका निर्माण? विटामिन डी का निर्माण होता है। देखिए विटामिन सी, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, आप याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उनमें क्या पाया जाता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। इसमें गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में पहली बार फार्मूला वन कार रेस आयोजित किया गया था? क्या किया था? फार्मूला वन कार रेस आयोजित किया गया था किस शहर में? और यह पहली बार हुआ था भारत में, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था कार रेसिंग। क्या हुआ था दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में हुआ था कार रेसिंग, फार्मूला वन कार रेसिंग, और यह पहली बार हुआ था। कब हुआ दोस्तों? तो ये जो हुआ था पहली बार हुआ था। नेक्स्ट, 1955 में जो इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो इंपीरियल बैंक का जो नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। क्या रखा गया था? इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके क्या रखा गया दोस्तों? इसका नाम चेंज करके, इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। क्या रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा स्वच्छ पानी की झील बुलर झील है। कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है ना। तो सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील बोले तो बुलर झील। अब सबसे बड़ी झील बोल दिया जाए तो चिल्का झील। अगर खट्टा मीठा पानी अगर ये नहीं लगा, सिंपल बोल रहे हैं, सबसे बड़ी झील चिल्का झील, लेकिन स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो बुलर झील, खारे पानी की झील सांभर झील। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर निम्न मुगल शासक, जहांगीर जो था कौन से नंबर का मुगल शासक था जिसने 1605 से अपनी मृत्यु 1627 तक शासन किया? बताइएगा कौन से नंबर का मुगल शासक था जहांगीर। बताइएगा कौन से नंबर का दोस्तों? किनको किनको पता है? चौथे नंबर का था। किस नंबर दोस्तों? चौथे नंबर का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक छिले हुए आलू में आयोडीन मिलाया जाए, क्या हुआ? यदि एक छिले हुए आलू में आयोडीन मिलाया जाए तो इसका रंग बदल कर कैसा हो जाएगा आयोडीन के मिलाने से? तो इसका जो रंग हो जाएगा ना काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका रंग काला हो जाता है। जब छिले हुए आलू में हम आयोडीन मिलाते हैं तो इसका रंग काला हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिकेट में रिप्ले के आधार पर आउट का निर्णय कौन करता है? क्रिकेट में रिप्ले के आधार पर आउट का जो निर्णय है तीसरा एम्पायर करता है। कौन करता है? तीसरा एम्पायर, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड एम्पायर बोलते हैं, थर्ड एम्पायर, तो वो इसका निर्णय करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, जितने लोग पढ़ रहे हैं ना लास्ट तक क्लास से बने रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया? किसके नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया था? विश्वनाथ आनंद के नाम पर, कि ए आर रहमान, कि मिल्खा सिंह, कि सचिन तेंदुलकर, किसके नाम पर रखा गया? तो लघु ग्रह का नाम जो रखा गया था ए आर रहमान के नाम पर। किसके नाम पर? ए आर रहमान के नाम पर रखा गया लघु ग्रह का नाम। नेक्स्ट, एसेटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? किसका? एसेटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। बताइए एसेटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसेटिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या है? एथेनोइक। देखिए मेथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक, सभी ये जो अम्ल है, लेकिन जो पीने वाला शराब होता है एथेनोइक अम्ल को पिया जाता है। मेथेनोइक अम्ल को इसलिए नहीं पीते, मेथेनोइल अम्ल को अगर आप पी दिए तो आपकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो पीने वाला शराब होता है, जिस शराब को हम पीते हैं उसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहले किसको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? जी शंकर कुरूप को मिला है। महिला में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? आशा पूर्णा देवी को। किनको मिला है? महिला में जो साहित्यिक पुरस्कार है सबसे पहले। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड क्या है? कृषि के लिए उधार देने वाली संस्था है। क्या दोस्तों? कृषि के लिए ऋण देने वाली संस्था का नाम है नाबार्ड।
जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। कहाँ हुआ है? 82 में इसकी स्थापना हुआ है नाबार्ड का। नेक्स्ट, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? बताइए, जो चंद्रमा होता है किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। किसके चारों ओर घूमता है दोस्तों? ये घूमता है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट, सार्क की पहली महिला महासचिव, बताइएगा सार्क की पहली महिला महासचिव का, हाँ सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश की है? देश का नाम बताने, किस देश की है? तो मालदीव से है। कहाँ से है? मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों, बताइएगा? मालदीव की राजधानी क्या है? माले। श्रीलंका का जयवर्धनेपुरम, भूटान का थिम्पू, भारत का नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिएगा और बता रहे, जैसे कई बार जो क्वेश्चन में अभी कई लोग दिक्कत में रहते हैं, क्वेश्चन पूछ देते हैं जैसे पीएच मान से रिलेटेड, अगर एक का पीएच मान 2 है, एक का पीएच मान 4 है, तो सर्वाधिक अम्लीय कौन है? देखिए 0 से 6 तक ये अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, 8 से 14 क्या होता है? तो 8 से 14 आपका होता है क्षारीय। अब ये बताइए, एक का पीएच मान है 2 और एक का पीएच मान है, मान लो ए पदार्थ का पीएच मान है 2 और बी पदार्थ का पीएच मान है 4, कौन सर्वाधिक अम्लीय होगा? बताइए सर्वाधिक अम्लीय कौन होगा इसमें? इसमें जो सर्वाधिक अम्लीय होगा ना, जिसका पीएच मान 2 है, ये सर्वाधिक अम्लीय होगा। मतलब 0 से 6 की ओर जब हम बढ़ते हैं, 0, 1, 2, 3 इधर बढ़ते हैं, तो पीएच मान जो अम्लीयता है वो घटता है। जब हम 0 से 6 की ओर जाते हैं तो अम्लीयता घटता है। मतलब सर्वाधिक अम्लीय 0 वाला होगा, उससे कम अम्लीय 1 वाला होगा, उससे कम अम्लीय 2 वाला होगा, है ना? अगर ए का मान लो, ए का पीएच मान 3 है और इसका पीएच मान 6 है, सर्वाधिक अम्लीय कौन होगा बताइए? इसमें सर्वाधिक अम्लीय कौन होगा? इसमें जो सर्वाधिक अम्लीय है 3 वाला है। कितने गुना सर्वाधिक अम्लीय है? अगर 1 अंक का अंतर है तो 10 गुना, अगर 3 अंक का है ना, 3 शून्य लगा दो, मतलब 1000 गुना सर्वाधिक अम्लीय है। क्या है? 1000 गुना अम्लीय है ये ए नंबर वाला। 5 और 6, एक का पीएच मान 5 है, एक का पीएच मान 6, तो 5 वाला कितना गुना ज़्यादा अम्लीय है? 10 गुना, क्योंकि 1 का जो अंतर होता है वो 10 के बराबर होता है। कितना होता है 1 के अंतर? 10 के बराबर होता है, ये आपको समझना होगा। तो पीएच मान में कन्फ्यूजन नहीं होना है। और देखिए, जब हम 0 से 6 की ओर जाते हैं तो पीएच अम्लीयता क्या होता है? अम्लीयता घटता है, 7 में उदासीन। 8 से जब हम 14 की ओर जाते हैं, इधर 8 से हम जब 14 की ओर जाते हैं दोस्तों, 8 से 14, तो क्षारीयता का मान बढ़ता है। क्या होता है? क्षारीयता का मान बढ़ता है। 8 और 9 देखिए, सर्वाधिक क्षारीय कौन है? तो 9 वाला सर्वाधिक क्षारीय है। 9, 10 में सर्वाधिक क्षारीय कौन है? ये सर्वाधिक क्षारीय 10वां वाला। क्या? 10वां वाला सर्वाधिक क्षारीय है। 10, 11 में सर्वाधिक क्षारीय कौन है? ये सर्वाधिक क्षारीय है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अम्लीयता में 0 से 6 की ओर जाओगे तो घटता है अम्लीयता, 8 से 14 की ओर जाओगे तो अम्लीयता बढ़ता है। तो ये चीज़ें आपको ना ध्यान रहना चाहिए। क्या ध्यान? और एक चीज़, अम्ल क्षार में लिखिएगा, अम्ल लिटमस को क्या करता है? तो अम्ल लिटमस को करता है नीला को लाल करता है। क्या करता है? नीला को लाल करता है। क्षार क्या करता है? तो क्षार क्या करता है दोस्तों? लाल को नीला करता है। ये जितने भी हम चीज़ बताएं लास्ट में, ये आपको याद रहना चाहिए। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लाल से नीला करें कि नीला से लाल करें। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल नीला से लाल, क्षार लाल से नीला। चलिए शेयर कीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लाए हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान 40 करके। साथियों, विज्ञान 40 जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है दोस्तों। इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों, बायलैंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों, विज्ञान 40 की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं, 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों आपकी विज्ञान 40 है। और परीक्षा दोस्तों 101% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5-6 क्वेश्चन रख लेना है बच्चा, इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा, पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखे गए जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान 40 के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप
रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे 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 करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रट जाती है, मौके की चालीसा रट जाती है। उसी बाद दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है। बच्चा एक मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है। बच्चा पहली बार में आप रटो, रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉरवर्ड चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है। बच्चा पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है। बच्चा इतना पढ़ के जाओ, आधा आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है, विज्ञान चालीसा आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। बच्चा यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे, 21-22 दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे। बच्चा ये जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए, बच्चा यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सेलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखे गए भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा बनलाना फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल दो से तीन क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा चालीस आपके लिए। आपको विज्ञान चालीस बिल्कुल रट जानी चाहिए, कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30-40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए आप, देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा आपको, क्योंकि क्वेश्चन रटना है बच्चा। अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बैठना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है आपको रिविजन करना है, आपको बार बार रिविजन करना है। जब तक रिविजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है, उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार ट्रस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे, आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया, 7-8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीजें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीजें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा है कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारी प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइपिस्ट ने टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं, और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। अब जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, इस बार मौका आपको नहीं गवाना है बच्चा। कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए इस बार, बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी, इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों।
अगर अभी तक आपने गूगल प्ले ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गूगल प्ले ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली कोच मिलेंगी साथियों जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट कोच हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो आप देख लीजिए कोच फॉर्म में चैप्टर वाइज कोई टली हुई हैं। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे, डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं मैं कष्ट की चीज़ें करके चलता हूं, मैं आपको बिल्कुल सही सही बताता हूं जो जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल कष्ट की बताता हूं ताकि आपको एप्लीकेशन मैं आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप दो चार मिनट का समय दीजिए, चार पाँच मिनट का समय दीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल ऑफिशियल डाउनलोड, ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है भाई। ओके देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन, देखिए भाई बताइए कि ऐप कैसी लग रही है भाई, ये है आपकी एप्लीकेशन भाई, तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों, ठीक है। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है, ठीक है। और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5-स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, और ठीक है मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5-स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है, ठीक है। तो सूर्य दोस्तों देखिए जब आप लोग कमेंट करते हैं रिव्यू और कमेंट करते हैं तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे नो डाउट दोस्तों। तो आप 5-स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है, ठीक है भाई। चलिए इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन आपको क्या करना है रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन में, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा और पासवर्ड रहता है 123456, वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे ई बुक रहेंगे पीडीएफ रहेंगे सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे, कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज दो हैं, जो एक SSC का एक आपका रेलवे का है, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, फीड वाले ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलें, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो, कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी, डेली कोच वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा, डेली कोच में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और SSC की कोच डाल रखी हैं जिसको आप अटेंड कीजिए, यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए कोच के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा, साथ ही ये समझ लीजिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो आपको केवल फोटो खींचना है आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा, काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको SSC CGS CHSL के कोर्सेज मिल जाएंगे, RRB ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया साथियों, जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेगी, सब कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को, ठीक है। साथियों मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। SSC की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था, फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वोट्स मिला करेंगे डेली जिसको आपको स्क्रॉल करना होगा, एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, वो इमेज उस पर आपका लोड रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपके लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके, ठीक है। और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है,
पेड़ वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब चार्ज सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। डेली कोच वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट, यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली कोच वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली कोच मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइएगा आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं, अभी आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके कोच में मिल जाएंगे जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चे हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन। इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वालों से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथी फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा सॉल्यूशन उसका, ठीक है। और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में, 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ताकि आप मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है, सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर, आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको, बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं, यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे ही आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे, यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे कोई भी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं जिसमें आपको साथियों बेसिकली दो वैलिडिटी मतलब दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कुछ कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहाँ पर आपको गूगल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, एसएससी सीजीएल की कोर्सेज और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सअप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया भाई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है साथियों, आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा, रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।